मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को श्रद्धानिधि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। सीएम ने बैठक में प्याज और लहसुन की फसल के लिए उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि योजना के तहत 400 रुपए प्याज और लहसुन 800 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बैठक में प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू करने, मगरोनी को नगर परिषद और खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के पिछौर में करीब 2,208 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने बताया कि परियोजना से शिवपुरी और दतिया जिले के 343 गांवों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। महाकाल की नगरी उज्जैन से श्रावण मास के पहले सोमवार पर राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण की ओर निकले। बड़वानी के जिला पंचायत सीईओ श्री अंकित अस्थाना ने जिले में मंगलवार से प्रारंभ हो रहे 4 विकासखंड के समग्र स्वच्छता दावे के निरीक्षण अभियान को लेकर बैठक ली। सेवा भारती शंकराचार्य मंडल द्वारा आयोजित मेधावी छात्र छात्रा समारोह में मंत्री श्री सारंग ने 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 250 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। राज्य शासन ने हर वर्ष पिछड़े वर्ग के 50 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री श्रीमती माया सिंह ने लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 5 पुरस्कार सौंपे। हमसे जुड़े रहने के लिए लॉगिन करें हमारी साइट mpinfo.org, लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, जनसंपर्क के ट्विटर पर हमें करें फॉलो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।